माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कुछ निर्णय लिए गए हैं। पहला निर्णय, रेल विभाग के 11,27,000 कर्मचारियों को हर वर्ष दशहरे और पूजा के अवसर पर प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस दिया जाता है, और इस बार 11,27,000 एम्प्लॉयज को 1,832 करोड़ रुपये का ये इंसेंटिव दिया जाएगा, बोनस दिया जाएगा, जो 78 दिन का बोनस होगा, और 17,951 रुपये जो हैं ये मैक्सिमम उसकी लिमिट रहेगी, जो 78 दिन के लिए है। एलिजिबिलिटी जो है इसमें ट्रैक मेंटेनर्स, ड्राइवर्स, गार्ड, स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, टेक्नीशियन, टेक्निकल हेल्पर, कंट्रोलर, पॉइंट्समैन और ग्रुप सी के स्टाफ, ये सब लोग उसमें रहते हैं। 1,832 करोड़ का लाभ ये प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस रेल कर्मचारियों को दिया गया है। दूसरा निर्णय, आपने देखा दुनिया भर में एलपीजी के दाम बहुत बढ़ गए हैं। कुल मिला के देखा जाए लगभग 300% दाम दुनिया के कई देशों में एलपीजी के बढ़े हैं। जहां एक और भारत सरकार ने मुफ्त अनाज देने का काम भी किया था, मुफ्त वैक्सीन देने का काम भी किया, वहां पर साथ ही साथ किसानों के ऊपर बढ़ते हुए खाद के दाम के भी बोझ नहीं पड़ने दिया, उसी तरह से ही बढ़े हुए जो दुनिया भर के दाम है उसके मुकाबले भारत में बहुत कम है। उसका बोझ जो हमारी पेट्रोलियम कंपनीज हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, जून 2020 से लेकर जून 2022 तक 22,000 करोड़ रुपए का जो इन्होंने खर्चा वहन किया है, वो वन टाइम ग्रांट भारत सरकार 22,000 करोड़ रुपए की दे रही है, ताकि आम नागरिक के ऊपर, देश की सामान्य जनता जो हमारे देश के नागरिक है उसके ऊपर इसका बोझ ना पड़े। तो उसके लिए वन टाइम ग्रांट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को दी गई है, जिसमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है।